ये मैंने प्रेस किया बटन और ये अपने सारे फ्रेंड्स रिलीज हो चुके हैं केज से गैस, और अपने फिर से अपने सारे दोस्तों को बचा लिया गया। ये देखो लीज बिल्कुल खुश है, चार्ली से गले मिल रही है और माइक भी उसे। सो हे गाइस, कैसे आप सब? तो आज हम खेलने वाले हैं आइस स्क्रीम 4, जो कि हम खेलने वाले हैं घोस्ट मोड में। तो गैस अपन अब अगर घोस्ट मोड में खेलेंगे तो अपने को ना मिनी रॉड का डर है और ना ही अपने मेन रॉड का डर है। तो चलो फटाफट से गेम शुरू करते हैं। तो गैस गेम अपना शुरू हो चुका है, और जैसा कि हमने लास्ट गेम में खेला था कि एस्केप करने के बाद रॉड अचानक से हमारे वैन में आ गया था और हमारे तीनों फ्रेंड्स को फ्रीज कर दिया था। तो वहीं से गेम शुरू होता है। तो रॉड ने हमें पकड़ कर अपने फैक्ट्री में आके रखा है। तो गाइस अभी रॉड का वैन उसके गैराज में लगने वाला है, और ये रॉड का वैन उसके गैराज में लग चुका है। देखते हैं वो हमें कहाँ लेकर के जाता है। ओके, ये अभी हमें लेके आया ऊपर। ओके, और ये जे, तो गैस ये मुझे पकड़ के लाया है लास्ट पे। अब देखो ये मुझे कहाँ रखा है, अपने सारे दोस्त को रखा है वहाँ पे या फिर अपने को अलग रखता है। ये अपने वही गंदा वाला गाना गाता जा रहा है साथ में। तो आई थिंक ये अपने दोस्तों के साथ रखेगा। तो गैस अभी हम अपने दोस्तों के पास नहीं, हम अपने दोस्तों के पास आ गए गैस। ये देखो और ये जो एरिया है ना, ये क्वालिटी कंट्रोल वाला एरिया। ये देखो माइक लीज और ये मोटा चार्ली। क्या ये मोटा कुछ गेट खोलने की ट्राई कर रहा है? ये अपने को बता के जा रहा है कि चलो तुम लोग यहाँ पे बातें करो अकेले, मैं अभी थोड़ी देर में ही आता हूँ। गाइस ये जब तक वापस आएगा तब तक अपने यहाँ से निकल लो, नहीं तो जैसे पिछली बार हम सब एस्केप करने से बच गए थे, हो सकता है इस बार भी अपन लोग एस्केप करने से बच जाए। खैर चलो इसे जाने दो, हमें चला भी जा रही यार, ये तो जाएंगे। तो चलो फाइनली अब वो चला गया है। अब अपने को किसी ना किसी तरीके से यहाँ से खुद को और अपने सारे दोस्तों को निकालना होगा। तो गाइस सबसे पहले मुझे इस केस से बाहर आना होगा, लेकिन इस केस से कैसे बाहर आया जाएगा? ये देखो बाहर भी निराड घूम रहा है, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इट्स लॉक्ड विथ अ की। ओके, ये ताला है गाइस। यहाँ पे एक रेंच रखी हुई है, क्या क्या रूम क्या कर बेंच को टच। ओके, बेंच को टच करा, रेंच नीचे गिर गई, रेंच को उठाया और ये केज है। नहीं मुझे लॉक पे बार में, हाँ ये लॉक गिर गया, गिर गया गाइस। अब ओपन करते हैं इसे। ओपन, ये हमने कर लिया ओपन। ये रहे हमारे दोस्त चार्ली, लीज और माइक। चलो अपने यहाँ चलते बाहर। ये गेट तो बंद है गाइस, कहाँ से जाऊँ कहाँ से जाऊँ? अरे यहाँ से तो अभी रॉड गए, यहाँ से तो जा नहीं सकता। यहाँ से जाके देखता हूँ। अरे ये तो अंदर से बंद है। यस 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 यस, इस वेंट के थ्रू शायद मैं जा सकता हूँ। नहीं ये भी जाए मैं यार, अब कहाँ से जाऊँ? ओके यहाँ भी एक वेंट है, चलो यहाँ से चलता हूँ। ओके यस, तो यहाँ से मैं बाथरूम पर निकल चुका हूँ, आई मीन वॉशरूम पे। ओके ये मैं आया बाहर। और गैस यहाँ पे बारिश, बारिश नाम का एक गार्ड को रॉड ने खड़ा कर रखा है हमारी निगरानी के लिए कि हम यहाँ से भागे ना कहीं ना जाए। लेकिन बारिश फिलहाल सो चुका है, तो फिलहाल अपने को जो काम करना है वो करते हैं। इवेंट किया मैंने ओपन, देखते हैं इस इवेंट से हम कहाँ जा पाते। ओके ये एक शॉर्टकट है हमारे। तो ये एक शॉर्टकट है कि अब अपन चलते हैं इधर। तो गाइस अब अपने को सबसे पहले जो एक चीज़ ढूंढनी है वो है एक ट्रॉफी। वो एक ट्रॉफी जैसी देखने वाली चीज़ है, लेकिन उसका यूज़ हम एज ए स्क्रू ड्राइवर करने वाले हैं, उससे हम स्क्रूज खोलने वाले हैं। चलो ढूंढते हैं। इस ड्रॉअर में भी नहीं है यार, इधर ही कहीं होना चाहिए उसे। चलो देखते हैं घूम फिर के कहीं ना कहीं मिल जाए, हो सकता है। लेकिन इधर तो मिल नहीं रहा।
इस एरिया में भी, इस एरिया में तो अभी अपन देख के गए थे, इधर चेक करते हैं कहीं मिल जाए। कहाँ है भाई? ट्रॉफी ट्रॉफी नीचे देख लो, नीचे ऊपर को दिख रहा है। ओके ऊपर 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 ट्रॉफी मिल चुकी है मुझे। मैं स्क्रू ड्राइवर अप कर सकता हूँ इससे। चलो 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 चलो, अब चलते हैं दूसरे एरिया में जहाँ पर मुझे इसका यूज़ करना है। तो किधर से जाना होगा अपने को? ये देखो गाइस, यहाँ पे फ्लोर टूटा हुआ है, यहाँ पे मुझे बिल्कुल संभल संभल कर चलना होगा, कहीं भी यहाँ से नीचे ना गिर जाओ। चलो धीरे से यहाँ निकल गया, बारिश अभी तक सो ही रहा है वहाँ पे। ओके ओके, हाँ शायद मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। हाँ ये देखो, अभी अपन इधर से आए, यहाँ पे मैंने गेट खोला और ये क्या, यहाँ पे आइसक्रीम पड़ी हुई है गाइस। मुझे एक आइसक्रीम भी मिल गई है, मुझे तीन आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट है इस गेम में कुछ गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए अपने को एक तो मिल गई, एक का लोकेशन मुझे याद रखना होगा। तो गाइस अपन आ चुके हैं यहाँ पे। अरे यहाँ से मुझे कहाँ जाना था, मुझे तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा गाइस। ये ओपन करूँ क्या? नहीं, इधर भी अपन नहीं हो रहा। मुझे एक वेंट का स्क्रू खोलना, आई मीन एक स्क्रू नहीं, मुझे एक वेंट ही खोलना है, लेकिन कहाँ से खोलना कुछ आइडिया नहीं मिल रहा। चलो हाँ ओके, ये लैडर की यूज करना था मैंने। चलो इस लैडर का यूज करके जाना, मुझे यहाँ नीचे उतरना था वैसे ये इस वाले। चलो पहले नीचे आ जाता हूँ ना उससे, उसके बाद फिर से चलूँगा ऊपर। ओके 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 ओके, चलो अब चलते हैं इधर, इधर चल ले भाई। चलो 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 चलो, आ गए इस रेड पे। ये एक स्क्रू खोलता हूँ पहले, इधर का स्क्रू है ही नहीं, ये वाला स्क्रू खोलता हूँ पहले। चलो एक स्क्रू खोल चुका है, और अभी ये शिट यार, ये एक दूसरा स्क्रू खुल गया। चलो गाइस अपन ने दो स्क्रू खोल दिए, अरे वेंट भी खुल गया अपना। अब इसके अंदर से चलते हैं इधर के मेन एरिया में, जहाँ बहुत सारे एरिया हैं, जहाँ पे अपने को मिलेंगे ढेर सारे। ये रोड मेरे पीछे की ओर है यार, तो ये स्टोरी था ऐसे में। चलो कोई बात नहीं, चलो अब हम नीचे आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे अपने को बहुत सारे एरियाज मिलने वाले, यहाँ पे हर जगह रॉड में स्टैचूज लगा रखे हैं। ओके ये मैं म्यूजियम वाले एरिया में आ चुका हूँ गाइस। ओके म्यूजियम वाले एरिया में अपने कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर। चलो देखते हैं क्या मिलता है अपने को यहाँ। मैंने रॉड इधर उधर घूमता हुआ भटकता हुआ, यहाँ मिनी रॉड एक दो नहीं, काफ़ी सारे रॉड्स मिनी रॉड्स घूम रहे हैं। ये देखो इस पे जो कैंडी है ना, वो अपने को चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए तीन आइसक्रीम्स, लेकिन हमें तो एक ही मिली थी, अभी अपने को और भी चाहिए। ये वेयर हाउस कबाड़ खाना बोले तो, यहाँ पे भी कुछ कुछ पड़ा होगा अपने को, लेकिन कुछ मिल जाए तो बढ़िया। और ये शायद अपन बैक स्टेज पे आ गए, या दूसरा रास्ता है म्यूजियम का, ये गैराज में पहुंच गए फिर से। ओके यहाँ देखो, ये रॉड लेट के कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो गैस अपन यहाँ आए थे रेंच लेने के, क्रोबार लेने के लिए, अपने को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे, इधर कहीं पे हमने देखा था ये। अभी आइसक्रीम को भी अपन यहाँ से उठा कर लेके जाएंगे, हाँ इस इंप्लाइन को हटाने में। चलो फटाफट से इंप्लाइन को यहाँ से इनकी जगह से हटाते हैं और चलते हैं अंदर, क्योंकि अपने को मिलने वाला अंदर काफ़ी रेयर आइटम आई थिंक। चलो अब आ गए हम अपन अंदर, यहाँ से लिया हमने चेयर। अब मैं आपको बताता हूँ इस चेयर का हमें यूज़ कहाँ करना है। इस चेयर को सीधा लेकर के जाना है हमें उसी वाले एरिया में,
लेकिन फिलहाल इस आइसक्रीम को ना मैं आपको बताता हूँ कहीं रख के आता हूँ, जहाँ से मुझे आसानी होगी वहाँ से उस जगह से लेने में। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो अभी इसे मैं फेंक देता हूँ इस वाले वेंट के पास, क्योंकि यहाँ पे अभी एक सीक्रेट रास्ता ओपन करने वाला हूँ जिससे कि डायरेक्टली मैं यहीं पहुँच जाऊँगा, मुझे इतना घूम कर ऊपर इधर आगे नहीं आना पड़ेगा। चलो मैंने उठाया ये चेयर यहाँ से, फिर से मैं यहाँ आ गया, ये सीढ़ी यहाँ चढ़ा मैंने, यहाँ से बैठो और चलो यहाँ से फटाफट से चलते हैं अपने लोकेशन पर, जो कि म्यूजियम वाले एरिया में, जहाँ पर मैं किसी को गिराने की एक साजिश प्लान कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ किसी को गिराने की, तो चलो मैं भी आपको दिखाता हूँ किसे गिराना है अपने को। अरे यार इधर क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे मेन एरिया में जाना है। बारिश बारिश, ये देखो गाइस, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगा इस पुतले के ऊपर जो रेट लिखा हुआ ना इसका भी यूज़ में होता है। ये देखो यहाँ पे मुझे इस चेयर को ला के प्लेस करना था, लेकिन मैंने तो ला के फेंक दिया। चलो इसे मैंने कर दिया प्लेस, अब यहाँ से चलते हैं ऊपर और यहाँ पे आए हम ऐसे ये इस प्लैंक को गया नीचे, और ये देखो ये जहाँ जो ऊपर से छत टूटी दिख रही थी ना बारिश की, अपने को यहाँ पे बारिश को गिराना है। अभी अपन उसके लिए यहाँ पे जाल बिठा रहे हैं, यहाँ पे हमें उसके लिए फेक छत बनानी होगी जिससे कि बारिश हमें मारने को आएगा और यहाँ गिर के मर जाएगा। ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, और ये देखो गाइस ये रहा वो शॉर्टकट रास्ता जो मैंने आपको बताया था, जहाँ से मैंने आइसक्रीम को फेंकी थी। ओके तो यहाँ से अपने को आराम से इजीली एक्सेस मिल जाएगा अपने को ऊपर वाले फ्लोर का, अभी तो अपन नीचे है ना। चलो अब अपन को ढूंढना है आइसक्रीम, फटाफट से आइसक्रीम ढूंढते हैं। तो अपने को तीन आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने वो जेली को पाने के लिए आपको दिखाया था, बट फिलहाल के लिए तो आइसक्रीम को पेंडिंग रखते हैं। और अपने को चाहिए एक फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाली मशीन, तो मैंने इधर ही कहीं देखी थी वो फायर एक्सटिंग्विशर। फायर 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 एक्सटिंग, हाँ मिल गई गाइस, ये रही। अब चलो मैं दिखाता हूँ आपको इसका यूज़ कहाँ करना है। ये देखो अपने को दूसरी वाली भी आइसक्रीम मिल चुकी है गाइस, ठीक है बस याद रखनी है कि अपने को यहीं पे आके लेनी है आइसक्रीम। दो लोकेशन है हमारे पास, एक जहाँ पे हमने अपने दोस्तों को रखा है और दूसरा इस म्यूजियम वाले एरिया में। तो इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हमें यहाँ करना है। आप तो कह रहे कि यहाँ आग तो नहीं लगाने वाले, नहीं है आग नहीं लगाने वाले, घबराओ मत, इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ये जो क्रैक रूफ है ना इसे गिराने के। छत तो वाली हमने कर, हो सकता है बारिश उड़ जाए वो गार्ड मोटा सा तगड़ा सा। चलो यहाँ पे इस फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है ख़त्म, अब चलते हैं यहाँ से अपन आगे। ओके ये अपनी बुलेट राय खड़ी है यहाँ पे शांत से, वेयर हाउस से जाके देखता हूँ कुछ मिल जाए तो। इधर भी ये तो अपने वही वाला एरिया ओपन हो गया। चलो 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 ये आ गया अपन वेयर हाउस में, और यहाँ एक सेकंड कुछ तो दिख रहा है जरूर ग्रीन का। और बस फाइनली मुझे एक और आइसक्रीम मिल गई, मीन्स मुझे तीनों आइसक्रीम मिल गई। अब जल्दी से फटाफट से जब ये तीनों मुझे मिली गई है तो पहले इन तीनों को प्लेस ही कर देता हूँ इनकी जगह पे। तो चलो चलते हैं। ओके कहाँ गई वो है जगह जहाँ मुझे इन्हें प्लेस करना है। ये मिनी रॉड तो बस ऐसे घूमता रहता है, ऐसे कुछ काम तो है नहीं यार। कहाँ गया
वो एरिया कहाँ गया यार? हाँ यार, शेड को है, मैं भी भूल जाता हूँ, कन्फ्यूजन। चलो तो गैस, अपने को वो कैंडी चाहिए। वो कोई आम कैंडी नहीं है या नॉर्मल कैंडी नहीं है, वो एक ऐसी कैंडी है जिसके अंदर से निकलेगा सुपर स्टिकी ग्लू। समझ में आया आपको? चलो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। ये हमें लगाया दूसरी वाली आइसक्रीम, अब चाहिए हमें एक लास्ट आइसक्रीम इसे पाने के लिए। बस वो लास्ट लगाओ, बटन प्रेस करो और आइसक्रीम आपके हाथ में। तो चलो फटाफट से आते हैं वो लेकर के। इधर से आए हैं बंदर रेस्ट्रिक्टेड वाले एरिया में, ले लिया हमने शॉर्टकट और चलते हैं वाले ऊपर। ये आ गए हम ऊपर, ये उठाया हमने से फटाक से, और ये गए हम नीचे। चलो चलो भाई, चलो 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 नीचे चलो। ये हम आ चुके हैं अपने एरिया में वापस, जहाँ पे हमें इसे लगाना है। देख क्या यार, घूम फिर करके उसी जगह पे पहुँच जा रहा हूँ। तो चलो चलो, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? हाँ इस साइड नहीं यार, वापस जाना होगा घूम के, इधर चलता हूँ। ये आ गए हम अपना स्टिकी ग्लू कैंडी लेने के लिए। ये लगाया हमने इसे यहाँ पे, ये प्रेस किया हमने बटन। ओके, ये देखो ये अपनी कैंडी आ चुकी है। सब चलो इसे फटाफट से ले जा करके फ्लोर में यूज़ करके आते हैं, ताकि उस फ्लोर पे हम कुछ कारपेट टाइप का चिपका सके, ताकि बोरिस को लगे वो एक रूफ है ओरिजिनल। चलो फिलहाल चलते ऊपर। आ गए अपने दोस्तों के पास। हे फ्रेंड्स, मैं आ रहा हूँ जल्दी तुम लोगों को छुड़ाने। तो चलो चलते हैं अपन उस वाले एरिया में, जहाँ पे अपने कुछ यूज़ करना है इसे स्टिकी ग्लू। ये देखो ये टूटे वाले एरिया में, ये तो यहाँ पे चिपकाया हमने। ये एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार। बस ये अभी तक सो ही रहा है। तो चलो यहाँ से बाहर वापस अपना जो बाकी का काम है उसे पूरा करते हैं। अब अपने को चाहिए मिनी रॉड का एक आईडी कार्ड, जिस आईडी कार्ड के थ्रू हमें मिलेगा एक कारपेट जिसे यहाँ हमें चिपकाना है, ताकि जब बोरिक्स को हम जगाएं तो उसे लगे कि यहाँ पे छत बिल्कुल सही है और वो हमें पकड़ने के लिए और वो नीचे के लिए। तो चलो, ये यार ये बार बार रॉड मेरे पीछे क्यों आ रहा है? अभी इसको बता दो मेरे पास एक बॉम्ब है, अभी उस बॉम्ब से छोड़ा था। रुक जा, आ जा बेटे, आ जा आ जा आ जा, तेरे लिए बॉम्ब प्लान करके रखा हूँ। आ जा, ये देखो ये आया रॉड यहाँ पे, और बूम, रॉड को ही उड़ा दिया गया इसमें, रॉड को ही मार दिया। तो ये देखो, इस टाइप के जो केजेस बने हैं ना, यहाँ पे अपने को यूज़ करना है ये वाला आईडी कार्ड। और फाइनली को आईडी कार्ड ही मिल गया। और गैस, मुझे पता है कि अभी अभी वेयर हाउस तरह मीन्स वेयर हाउस के साइड पे मैंने देखा था वो सारे केजेस, जहाँ पे मुझे इस कार्ड का यूज़ करके कारपेट मिलेगी। तो चलो फटाफट से यूज़ करते हैं, इधर ही कहीं, इधर शायद। हाँ यहाँ से शुरू करते हैं। और ये क्या पहले बार में ही लग गया? गाइस क्या लकी हुई यार मैं, पहले बार में मुझे कारपेट मिल चुका है गाइस, फाइनली। मुझे कारपेट को ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सच्ची बताओ तो, क्योंकि एक बार में मुझे कारपेट मिल चुका है। अब वापस चलते हैं अपने उस ब्रोकन रूफ वाले एरिया में, जो कि म्यूजियम में है। वहाँ पे जाके लगाते हैं इस कारपेट को। ठीक है, फटाफट से चलो इस कारपेट को लगा के आते हैं। बार बार गलत वाले एरिया में निकल जाता हूँ यार मैं, यहाँ पे इतने सारे एरियाज बना रखे हैं ना कि गड़बड़ हो जाती है यार।
गई भाई? हाँ ये देखो आ गए यहाँ पे। चलो अभी से लगाते हैं यहाँ पे, ये आ गए अपन यहाँ, ये लगा कारपेट। ये देखो ये रूफ हो गया कंप्लीट। अब अपन बॉरिक्स को यहाँ पे आराम से गिरा के फंसा सकते हैं। अब अपने को चाहिए अपना इलेक्ट्रोगन, लेकिन वो एक बिल्कुल सेफ जगह रखा हुआ है, और उस सेफ को खोलने के लिए अपने को 4 डिजिट का पासवर्ड चाहिएगा। तो मैंने आपको दिखाया था मुझे एक पासवर्ड तो मिला था 8। हाँ ये देखो यहाँ पे, अब मुझे ऐसे ही 3 और पासवर्ड चाहिए गाइस। तो चलो ढूंढते हैं। ये देखो गाइस मुझे एक और 5 भी मिल चुका है गाइस। तो अपने पास है 8 एंड 5, ठीक है। अब और ढूंढते हैं, इधर ही कहीं मिलना चाहिए अपने को। ओके गाइस, बाइक के पीछे भी अपने को एक मिल चुका है जो कि है 2, यानी 8 5 2, 8 5 2। अब अपने को एक और डिजिट चाहिए गाइस, बस एक और डिजिट, तब जाके अपने को वो इलेक्ट्रोगन मिल सकती है जो कि यहाँ से हम अपन देख सकते हैं। चलो बट फिलहाल कहाँ से जाया जाए, कहाँ से जाया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अपने को इलेक्ट्रोगन चाहिए गाइस, उसके बाद तो फिर अपन समझो जीत गए। चलो गाइस, फिर से काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मिल तो गई है पासवर्ड। चलो ट्राई करते हैं क्या ये सही है। 2 5 8 0, और ये ग्रीन दबाया। अरे नहीं यार ये तो गलत है, प्लान बदल। अपने को कोई कॉम्बिनेशन बिठाना होगा, फिर उसके बाद इसे यूज़ करूँगा, देखता हूँ। चलो कौन सा कॉम्बिनेशन लगाऊँ यार? अगर फाइनली मैंने इस गेट को ओपन कर लिया है, क्योंकि जब मैं इस पे पासवर्ड डाल रहा था तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर रखी थी, मेरे ध्यान से बिल्कुल भी उतर गया था। लेकिन खैर चलो, अपने को तो मिल चुकी है ये। और ये देखो मैंने क्लीनर मिनी रॉड को उड़ा दिया यहाँ से एक बार, लेकिन अब मुझे बस इसकी जो यूज़ करनी है वो करनी है बस बोरिक्स पे, उसे जगाने के लिए। ये देखो अपन आ गए साइड पे, ये देखो यहाँ पे बोरिक्स, और ये करा हमने सूट बोरिक्स। तो गाय वो जाग चुका है और अब वो आएगा हमें मारने के लिए। और 3 2 1, ये देखो बोरिक्स गिर चुका है नीचे का। बोरिक्स का काम हो गया यहाँ पे खलास। अब अपन बच गए हैं, अब अपने पास सिक्योरिटी रूम का फुल एक्सेस है। अब अपन उस रूम में जा करके अपने दोस्तों को बचा सकते हैं, बस अपने को वहाँ जाके एक बटन प्रेस करना है। तब फटाफट से चलते हैं अपन कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में बटन इधर ही कहीं होना चाहिए, कहाँ गया? ये रहा बटन। चलो फटाफट से बटन प्रेस करते हैं, और ये दबाया हमने बटन, और ये देखो गाइस हमारे सारे फ्रेंड यहाँ से बच चुके हैं। ये देखो ये सारे हमारे फ्रेंड बाहर आ चुके हैं, और फाइनली मैंने अपने फ्रेंड को फिर से बचा लिया गाइस। अब जल्दी से अपने को यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो कहीं फिर से रॉड ना जाए। और गाइस मैं रॉड की बात कर ही रहा था कि सारे वापस आए गए, लेकिन 1 2 और 3, अबे बच गया यार, अभी के अभी चार्ली बच गया है, नहीं तो वापस से वो जाने वाला था गाइस। तो गाइस आई थिंक अपन इसी फैक्ट्री में फंसे रहने वाले हैं, और अपने को अगर इस फैक्ट्री से बच के निकलना है तो अपने को एक और गेम खेलना होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।